दौलताबाद महाराष्ट्र का एक नगर है। इसका प्राचीन नाम देवगिरी है। इस किले का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने किया था। यह शहर हमेशा शक्तिशाली बादशाहों के लिए आकर्षण का केंद्र साबित हुआ है। यह उत्तर और दक्षिण भारत के मध्य में पड़ता था। यहाँ से पूरे भारत पर शासन किया जा सकता था। इसी कारणवश बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। उसने दिल्ली की समस्त जनता को दौलताबाद चलने का आदेश दिया था, लेकिन वहाँ की खराब स्थिति तथा आम लोगों की तकलीफों के कारण उसे कुछ वर्षों बाद राजधानी फिर से दिल्ली लानी पड़ी। अपने निर्माण वर्ष से लेकर 17वीं सदी तक इस किले ने कई शासक देखे। इस किले पर यादव खिलजी तुगलक वंश ने शासन किया। देवगिरी किले के प्रवेश द्वार पर लोहे की बड़ी अंगीठियां बनी हुई है, जिसका इस्तेमाल आक्रमणकारियों को बाहर ही रोकने के लिए आग लगाकर धुआं किया जाता था। दौलताबाद अपने पहाड़ी किले के लिए प्रसिद्ध है। 190 मीटर ऊंचाई का यह किला शंकु के आकार का है। किले के मुख्य स्मारक चांद मीनार, चीनी महल और बरादरी इस किले के मुख्य स्मारक है। प्राचीन देवगिरी नगरी इसी के भीतर बसी हुई थी। इस किले की सबसे प्रमुख ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें बहुत सारे भूमिगत गलियारे और कई सारी खाइयां हैं। ये सभी चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। इस दुर्ग में एक अंधेरा भूमिगत मार्ग भी है, जिसे अंधेरी कहते हैं। इस मार्ग में कहीं कहीं पर गहरे गड्ढे भी है, जो शत्रु को धोखे से गहरी खाई में गिराने के लिए बनाए गए थे। इस किला में प्रवेश करने के बाद आपको कई सारे तोपे देखने मिल जाएंगी। इसी तोपों को युद्ध के दौरान उपयोग में लाया गया था। देवगिरी किले की स्थापना यादव नरेश भिल्लम ने की थी। यादव नरेश पहले चालुक्य राज्य के अधीन थे। भिल्लम ने 11th सेंचुरी में स्वतंत्र राज्य स्थापित करके देवगिरी में अपनी राजधानी बनाई। उसके पौत्र सिंहन ने संपूर्ण पश्चिमी चालुक्य राज्य को अपने अधिकार में कर लिया। देवगिरी के किले पर अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार 12th सेंचुरी में चढ़ाई की थी। इसके हार के फल स्वरूप यादव नरेश को राजस्व देना स्वीकारना पड़ा, लेकिन बाद में उन्होंने जब दिल्ली सल्तनत को राजस्व देना बंद कर दिया, तब जाके मलिक गफूर ने देवगिरी पर आक्रमण शुरू किया। 13th सेंचुरी में मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी को अपनी राजधानी बनाई और इन्होंने इसका नाम देवगिरी से दौलताबाद रखा। मुगल बादशाह अकबर के समय देवगिरी को मुगलों ने जीत लिया और इसे मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। 17th सेंचुरी में औरंगजेब की मौत तक इस किले पर मुगल शासन का ही नियंत्रण रहा, जब तक कि यह हैदराबाद के निजाम के कब्जे में नहीं आया। देवगिरी किला छत्रपति संभाजी नगर यानी औरंगाबाद से 15 किलोमीटर की दूरी पे है और वही से आप बस सर्विस या टैक्सी सर्विस से देवगिरी किला पहुँच सकते हो। एलोरा केव्स यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर है और अजंता केव्स यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। छत्रपति संभाजी नगर में दौलताबाद किले के साथ साथ और एक जगह भी मशहूर है, वो है बीबी का मकबरा। बीबी के मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब ने अंतिम 17वीं शताब्दी में करवाया था। इस मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने अपनी मां दिलरस बानो बेगम की याद में बनवाया था। यह ताजमहल की आकृति पर बनवाया गया था। ताजमहल से तुलना के कारण यह उपेक्षा का कारण बन रहा है। मुगल काल के दौरान यह वास्तु छत्रपति संभाजी नगर शहर का मध्य हुआ करता था। इस मकबरे को ताजमहल की नकल भी कहा जाता है, जो कि औरंगजेब की वास्तुकला को दर्शाता है। अंदर रिस्टोरेशन का काम जारी है। थोड़ा और मेंटेन करने पर इसकी खूबसूरती बढ़ सकती है। शाम 7 बजे के बाद यहाँ लाइट फाउंटेन होते हैं, जो काफी सुंदर लगते हैं।
आपको ये वीडियो कैसे लगा जरूर बताइए और स्प्रू टेल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब टू स्प्रू टेल्स। थैंक यू।